हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर मिस्टर विष्णु हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन में और आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो न्यू स्टूडेंट उनका भी और जो सभी जुड़े हुए हैं उनका भी बेटा जो पहले से ओके। अब हम करते हैं हमारा मैट्रिक्स कंटिन्यूड पे सेकंड पार्ट, जिसमें सॉरी सेकंड नहीं है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। अब हम करते हैं मैट्रिक्स कंटिन्यूड पे हमारा फोर्थ पार्ट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में 6 मार्क्स में आता है। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ओके। तो सबसे पहले हम करते हैं सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स मेथड। तो इसमें सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके पास हम चलते हैं इक्वेशंस की साइड। इक्वेशंस है आपके पास a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2 z is equal to d2, and a3x plus b3y plus c3 z is equal to d3। तो इस सिस्टम को हम लिखेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये मैट्रिक्स a रहेगा आपके पास x y z, ये मैट्रिक्स x रहेगा आपके पास कैपिटल x, एंड डी वन डी टू डी थ्री ये आपका मैट्रिक्स बी रहेगा। हाउ वी कैन राइट दिस सिस्टम इनटू लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, कैसे राइट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट की आपके सामने दो कंडीशन रहेगी, एक इक्वल टू जीरो, एक नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो इट मीन्स मैट्रिक्स सिंगुलर, नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर एज वी नो। तो सबसे पहले हम आते हैं मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू, जो डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट एंड ओनली यूनिक सॉल्यूशन। कैसा है, कंसिस्टेंट है और आपका सॉल्यूशन कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा, जैसा 10th क्लास में आपने किया था। यूनिक सॉल्यूशन और आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यदि आपका डिटरमिनेंट क्या रहता है, जीरो है, तब आपके सामने दो कंडीशन अराइज हो जाती है। नंबर वन, वी हैव फॉर दोज टू कंडीशन वी हैव टू फाइंड फॉर ईच एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, यानी दोनों कंडीशंस के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इनटू बी निकालना है। बी आपके सामने है, एडजॉइंट मैट्रिक्स का निकालेंगे हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके। इसमें भी आपके सामने कंडीशन आती है, ये वैल्यू आपके पास नॉन जीरो है और ये वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, वैल्यू आपके सामने नॉन जीरो है। यदि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू जीरो है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन, और यही क्वेश्चन को हम ड्रॉप कर देंगे। यानी क्या फाइंड आउट किया आपने, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी यदि आपके पास नॉट इक्वल टू जीरो है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है। और यदि आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी यदि आपके पास जीरो है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसमें जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आपका यूनिक सॉल्यूशन का आता है ओके, या मे बी आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का हो सकता है, बट 101% जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका किसका आएगा, यूनिक सॉल्यूशन का आएगा। यस स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इन कंडीशन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को उठाया है 2x2 के मैट्रिक्स को, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे 3x3 के मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 5, नेक्स्ट वन इज 3x plus 2y is equal to 2। तो इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपके पास रहेगा 2 3 3 2 x y and 5 2। तो ये तो आपके पास मैट्रिक्स एक्स, दिस इज मैट्रिक्स एक्स, सो दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स एक्स एंड दिस इज मैट्रिक्स बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, 2 2 4 and 3 3 9, और ये वैल्यू आ जाते हैं -5 नॉट इक्वल टू जीरो। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या रहेगा आपके पास, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, और ए इनवर्स क्या होता है आपके पास, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट वन ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले एडजॉइंट के लिए हम निकालते हैं कोफैक्टर। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो को पार्ट फर्स्ट और सेकंड को नहीं देखा बेटा, वो पहले उन्हें देखें, उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है किसी टाइप से। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 1 1 2, साइन चेंज नहीं होगा, a12 यानी 3 साइन चेंज हो जाएगा, -3 a21 साइन चेंज होगा, a22 दैट इज 2, एंड एडजॉइंट क्या आएगा कोफैक्टर का,
ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में क्या करते हैं कन्वर्ट रो इनटू कॉलम। तो ये आपके पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आती है। अब हम करते हैं एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एस है आपके पास मैट्रिक्स एक्स वाई, ए इनवर्स वन ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ, डिटरमिनेंट आपके पास क्या है 5 है माइनस 5 ये ए मैट्रिक्स, और इनटू आपके पास क्या आएगा मैट्रिक्स बी। और इसके हमने क्या किया मल्टीप्लाई की है रो की कॉलम से, ये मल्टीप्लीकेशन होती है, ये है 10 माइनस 6 यानी क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ आएगा माइनस 15 प्लस 4 यानी माइनस 11, और 1 बाई 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आप क्या देती है माइनस 4 बाई 5 एंड 11 बाई 5 क्योंकि नेगेटिव था साइन पॉजिटिव रहते हैं, और एक्स आपके पास ये वैल्यू और वाई आपके पास ये वैल्यू। हाँ यदि इन इक्वेशन को आप यदि आपका आंसर सही है गलत इसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पुट इन द इक्वेशन, फर्स्ट में पुट करते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड आपकी क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नंबर ये जो है आपके पास 6 मार्क्स का है, लेकिन इसमें अटेम्प्ट किया हमने 2x2 का ऑर्डर और आपके सामने आएगा एनुअल एग्जाम में 3x3 का ऑर्डर आएगा। ओके अब हम इसमें एक नेक्स्ट कंडीशन करते हैं जो आपके सामने राइट हैंड साइड की कंडीशन है। इसमें जो दो पार्ट थे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इनमें से एक कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास सामने इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 5 and 6x plus 9y is equal to 15। तो इसमें है आपके पास मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया हमने a का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल टू 0 आ जाता है आपके पास। अब जी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता तो आपके सामने कंडीशन आ रही होती है इफ वी हैव टू फाइंड एलिमेंट a इनटू b इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने क्या किया एडजॉइंट निकाला, कोफैक्टर निकाले हमने इसके, कोफैक्टर एडजॉइंट का कोफैक्टर का ट्रांसपोज ये आपके पास एडजॉइंट आ जाता है आपके पास मैट्रिक्स ए का 9 माइनस 3 एंड माइनस 6 एंड 2। एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करते हैं एडजॉइंट ए और ये आपके सामने है बी, 9 फाइव 45 माइनस 45 दैट इज 0 रो की, और 6 फाइव 30 19 30 प्लस 30 ये भी 0 आता है, मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी आपके सामने क्या आता है 0 आता है। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या करते हो आपके सामने कितने वेरिएबल हैं 3x3 में आपके सामने वेरिएबल 3 रहेंगे एक्स वाई जेड, और 2x2 में आपके सामने वेरिएबल रहेंगे 2x और y। किसी भी एक वेरिएबल को आपको स्केलर पुट करना है, इट मींस एक्स वाई में से किसी एक को के सपोज करना है, तो हमने क्या किया है पुट एक्स इज इक्वल टू के। तो इस कंडीशन को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर रहे हो तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं हम इसको या सेकंड में पुट करते हैं। तो एक्स को जब आप के फर्स्ट में पुट करते हैं तो इक्वेशन आपकी क्या आएगी 2k + 3y = 5 2k + 3y = 5। देन फ्रॉम दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू बतानी है y की वैल्यू बतानी है 3y = क्या आएगा 5 - 2k एंड y क्या आएगा डिवाइड बाय 5 - 2k / 3। तो ये आपका केस था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, और यदि आपके पास इनकंसिस्टेंट है यानी यहां आपके सामने नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आपको कंडीशन को यही ड्रॉप कर देना है एंड यू हैव टू राइट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। तो बेटा आपके सामने जो कंडीशन थी फर्स्ट इसके भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, सेकंड उसके क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर दिया, और थर्ड इसके क्वेश्चन को भी हमने आपको बता दिया है। तो इसमें अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में एक 3x3 के। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जिससे टॉपिक को कंप्लीट कवर करेगा। वैसे तो हमने 2x2 का मैट्रिक्स का भी किया था बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, 3x3 के मैट्रिक्स को भी कवर करेगा और एक गिवन कंडीशन है उसको भी कवर करेगा, ये आपके एग्जाम में काफी टाइम आया हुआ है एनुअल एग्जाम में 6 मार्क्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लेते हैं ये है a इज इक्वल टू 1 फर्स्ट रो है 1 1 1 सेकंड रो है 1 2 - 3 एंड थर्ड है 2 - 1 एंड 3। फाइंड a इनवर्स, आपको इस मैट्रिक्स का a इनवर्स निकालना है और इस इन लीनियर इक्वेशन को भी सोल्व करना है यानी x y z की वैल्यू निकालनी है। तो इसका इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास वही मेथड है, सबसे पहले क्या चेक करते हैं इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया बाई r1 के लोग हम एक्सपेंड करते हैं इसको और ये वैल्यू आ जाती है आपके पास -11। a इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स आपका एग्जिस्ट करता है क्योंकि ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अब इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी क्या निकालना है आपका एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट के लिए क्या निकालेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज।
a11 a12 a13 a21 22 23 31 32 and 33। बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपको एनुअल एग्जाम में इस क्वेश्चन के जो कोफैक्टर है वो डायरेक्ट नहीं निकालने हैं बिल्कुल भी, और यदि आप डायरेक्ट निकालते हो बाई चांस जल्दबाजी में हस्टल वसल में एक जगह आपका कोफैक्टर गलत हो जाता है तो आपके पूरे क्वेश्चन को गलत करा देगा, और वो जो गलती है आपकी लास्ट, यदि आप एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि उस गलती को आप ढूंढोगे तो वो गलती आपको नहीं मिलेगी। इससे बेटर है कि आप इस क्वेश्चन में एक मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे दें और स्टेप से क्वेश्चन को सोल्व करें। तो जब हम इनको डिटरमिनेंट्स कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो a11 की वैल्यू 3, ये 9 आएगी, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये 5 माइनस 5, ये आएगा 4, साइन चेंज हो जाएगा, ये 1 नॉट चेंज, साइन चेंज, ओके। तो एडजॉइंट आपका आएगा 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 1 3 एंड माइनस 5 4 1, इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब आपके पास यहां से ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज -1/11 इनटू एडजॉइंट ऑफ, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट कर दिया है, ओके। ये आपके पास आ जाता है ए इनवर्स। अब जब हम इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमने आपको क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया जो फर्स्ट रो है यहां वो फर्स्ट कॉलम है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इक्वेशंस को, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 एंड x y z 0 9 एंड। तो यहां जो ये मैट्रिक्स बना है ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, यानी क्या राइट किया आपने, ए ट्रांसपोज ये एक्स और ये बी। दोबारा फिर से मैं सोल्व नहीं करना, इसी के हेल्प यानी इसी को यूज करना है, ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी, और हमें पता है यदि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें या मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, यानी इस ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट है और जो गिवन ए का डिटरमिनेंट है वो दोनों का क्या है, -11 है। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। फिर आपने क्या किया, तो यहाँ सोल्यूशन में क्या चेंज आएगा, एक्स इज इक्वल टू जहां ए इनवर्स बी होता है वहां आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स बी, यानी ये ट्रांसपोज है इसका सॉल्यूशन तो यही आएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स बी, और हमें पता है कि मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है ए का ट्रांसपोज का इनवर्स निकालें या ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालें दोनों वैल्यू क्या होती हैं, इक्वल होती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो यहां जो ट्रांसपोज का इनवर्स है जो बी है, इस ट्रांसपोज की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, ए इनवर्स राइट कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज का इनवर्स किससे इक्वल होता है, ए इनवर्स के इक्वल होता है, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी ए इनवर्स का ट्रांसपोज ये हमने राइट कर दिया है। ए इनवर्स आपके सामने है, यही है, बी आपके पास है 0 9 -11, तो यहां एक्स वाई जेड एक्स की जगह -1/11 और ये आपके पास हो जाएगा इनवर्स का ट्रांसपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इनवर्स का ट्रांसपोज ए इंटू बी। अब आपने एज इट इज इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आपके सामने बी। अब आपने इसकी और इसकी क्या की है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे यहां आता है -11 -32 -33 एंड 22, और यहां -1/11 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट आएगा आपके पास 1, यहां आएगा +3 और यहां आएगा -2, तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 1, वाई की वैल्यू क्या है 3 और जेड की वैल्यू क्या है आपकी -2, और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन में तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी सेटिस्फाई। ये टाइप डिफरेंट थी आपकी लेकिन बेसिक से बिल्कुल हटके नहीं थी, जो लास्ट में हमने चेंज किया है वो हम ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो के पार्ट में बता चुके हैं। तो ओके स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, ओके स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में 101% 6 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो इसको जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है इसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम आपके लिए लेके आएंगे असाइनमेंट और फिर आपको मैट्रिक्स पे देंगे हम टेस्ट। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस।